देखिए, कुछ दिन पहले कुछ संगठनों के द्वारा कुछ आह्वान किए गए थे जलाभिषेक किए जाने के संबंध में, और उसके बाद विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई भी की गई। इस प्रकार के जो भी असामाजिक लोग हैं या कोई इस प्रकार का अशांति फैलाने वाला कार्य यहाँ पर जनपद में कर सकते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है। जनपद में धारा 144 लगाई गई है, जिसके अंतर्गत सतर्कता भी बरती जा रही है, उसको इंश्योर भी कराया जा रहा है कि शांति व्यवस्था जनपद में बनी रहे। कल के लिए भी सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जनपद को 4 सुपर जोन्स में, 4 जोन्स में, 8 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। मजिस्ट्रेट्स, पुलिस ऑफिसर्स और हमारे बाहर से भी जो फोर्स है उसको तैनात किया गया है, और शांति व्यवस्था बनाई जाने सुनिश्चित की जाएगी। यहाँ पर जो हमारे जनपद की जनता है, उन्होंने हमारा काफ़ी इस चीज़ में सहयोग भी किया है। सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी कर रहे हैं, और इस प्रकार के किसी भी आह्वान की ओर मथुरा की जनता ने कोई ध्यान भी नहीं दिया है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि शांति व्यवस्था जिस प्रकार से ब्रजभूमि में, मथुरा में हमेशा से बनी आई रही है, आगे भी बनी आती रहेगी, और उसके लिए प्रशासन और पुलिस विभाग सतर्क है। एक्शन भी लिया जा रहा है लोगों पर, कुछ लोगों पर एक्शन लिया गया? जी हाँ, सभी इस प्रकार के जो यदि ट्वीट्स हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी सतर्क नजर रखी गई है। इसके अतिरिक्त जो हमारे विभिन्न आह्वान या इस प्रकार की कोई कॉल्स वगैरह दी गई जिससे धार्मिक शांति के ऊपर असर पड़ सकता है, उन सभी व्यक्तियों को चिन्हित किया गया पुलिस विभाग के द्वारा। उनके विरुद्ध जो उचित वैधानिक कार्रवाई है वो भी की गई है, और मौके पर शांति व्यवस्था बनी रहे उसके लिए विभिन्न स्तरों पर टॉक्स भी की गई, वार्ता भी की गई हमारे द्वारा, SSP साहब के द्वारा। तो ओवरऑल इस समय पर जनपद में शांति है, सभी लोगों में आपसी भाईचारा बना हुआ है, और मथुरा जिस प्रकार से हमेशा से शांतिपूर्ण जनपद रहा है उसी तरीके से रहेगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। और इसके लिए यहाँ की जनपद की जनता ने भी काफी सहयोग किया है, उसके लिए भी हम आभार प्रकट करते हैं। मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद के जो कमेटी है उसके सचिव तनवीर जी हमारे साथ मौजूद है। तनवीर जी, ये क्या हो रहा है, ये बाकायदा ऐलान किया गया है कि जलाभिषेक किया जाए? कुछ सांप्रदायिक शक्तियों ने एक ऐलान किया था 6 दिसंबर के लिए, हालांकि उन्होंने वापस ले लिया है और आह्वान भी किया गया कि वो कार्यक्रम नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी शक्तियां मथुरा का माहौल खराब करने का प्रयास करती रही। लेकिन मथुरा एक सांप्रदायिक सद्भावना वाली नगरी है, आपसी स्वार्थपूर्ण वातावरण में सभी लोग, यहाँ धर्मों के लोग रहते हैं, और मथुरा में तो कोई इस तरह की स्थिति है नहीं, क्योंकि यहाँ मिसाल देख लीजिए, मंदिर मस्जिद दोनों बराबर बराबर हैं, वहाँ एक भव्य मंदिर बना हुआ है जहाँ पूजा अर्चना चलती रहती है, यहाँ शाही मस्जिद ईदगाह है जहाँ सदियों से 500 वक्त की नमाज चलती रहती है। दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं, और जो स्थानीय लोग हैं उन सब में इतना भाईचारा, आपसी प्रेम है कि बिल्कुल वो एक तरह मिलकर रहते हैं, और प्रशासन पूरी तरह से सजग है। तो माहौल कौन बिगाड़ रहा है, अगर आपसी भाईचारा है तो ये माहौल कौन बिगाड़ रहा है? मथुरा में लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर किसी ने भी इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। जो बाहरी लोग हैं, जो मथुरा की इस 2022 के चुनावी मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए अपनी राजनीतिक रोटियां सीखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी नजर में हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद मुद्दा अगर आएगा तो वो सोचते हैं उन्हें कुछ लाभ होगा, लेकिन जनता अब सब कुछ समझ चुकी है। जनता विकास चाहती है, जनता रोजगार चाहती है, जनता सुरक्षा चाहती है, तो इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये इस तरह की बातें करते हैं। तो कुल मिला के आपका कहना है जो ये विवाद भी है, चुनावी स्टंट है, चुनावी मुद्दा है? जी बेशक, बिल्कुल, क्योंकि 2022 का चुनाव नजदीक आ गया, 6 दिसंबर तो हर साल आता है, इससे पहले क्यों नहीं आह्वान किया गया, पूरे 5 साल निकाल दिए गए, अब आह्वान किया जा रहा है, तो ये सब राजनीतिक द्वेष भावना से प्रेरित होकर काम किया जा रहा है। लेकिन मथुरा के लोग बहुत समझदार हैं, प्रशासनिक स्तर पर भी काफी सुरक्षा के कड़े कदम उठाए गए हैं, और जिन लोगों ने इस तरह का माहौल खराब करने का प्रयास किया था उनके खिलाफ भी प्रशासनिक अधिकारियों ने कड़ी कार्रवाई की है।